बहुत टाइम बाद निकला है आपका भाई सब लोग से बात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं और आपका भाई भी एकदम चकाचक। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारी ब्रांड न्यू कार से, आप देख सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताना ये गाड़ी कौन सी, इसका इंटीरियर देख के अगर आपको पता चल सकता है तो आप मुझे बता सकते हो ये गाड़ी कौन सी। हुंडई की है और ये देख लो इसका इंटरनल सब सिस्टम, और इसके साथ लगा हुआ है ये सनरूफ जो इस गाड़ी में मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको इस गाड़ी का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मेरे को कमेंट्स में बताना कि गाड़ी कौन सी है। तो ये रहा इस गाड़ी का सनरूफ, जो कि हमारे पास जो गाड़ी है फॉर्चुनर उसमें नहीं है। सैडली इससे पहले हमारे पास जो एक्सयूवी थी उसमें था, बट फॉर्चुनर हमने ली तो उसमें सनरूफ नहीं है, एक्सयूवी हमने भेज दी थी। तो अब हमारे भाई ने ली है सनरूफ वाली गाड़ी, आप इसको दबा के पेलेंगे और मज़ा आएगा। सनरूफ के साथ इसमें मूनरूफ भी आप देख सकते हो, ये आगे वाला पोर्शन आगे सनरूफ और ये, यार मैं क्या समझा रहा हूँ पता ही होगा सबको, मतलब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, आगे वाला सनरूफ है, पीछे वाला मूनरूफ है और ये इसको कर दिया क्लोज। तो कल ईद है, कुछ दिन के बाद हमारी ट्रिप प्लान हो रही है शायद कश्मीर या लद्दाख की, तो ये वाली गाड़ी भी हमारे साथ आने वाली है। तो यहाँ से निकल के बाहर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे हम। सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए थी हमें, एक वो भी मिल गई। तो अभी फ़िलहाल हम निकले थे बाहर ऐसे ही घूमने के लिए और अभी चलते हैं हम घर, और घर पर जाके देखते हैं क्या चल रहा है। ये भी नहीं क्या साइड, ओ साइड वाला फीचर भी है इस गाड़ी में, नाम नहीं बताएंगे। फ्रंट का कैमरा है, फ्रंट है, फ्रंट ये आगे वाला दिख नहीं रहा, आगे गेट नहीं दिख रहा है भाई साहब, फ्रंट कैमरा गाड़ी का। यार पूरा डॉक्टर ड्राइविंग वाली फील है इसमें, ये देखो बाहर से इसके लुक दिखाता हूँ, बट मैं आपको इसका नाम नहीं बताने वाला। ये देखो पता चल ही गया होगा आप सबको तकरीबन, अभी सिर्फ चाबी से ही स्टार्ट होती है बिना गाड़ी, मतलब अंदर बैठने की जरूरत ही नहीं है, अंदर बैठना पड़ता है फिर। हाँ अंदर बाहर से स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ ट्राई करो हो जाएगी, देख ले होगी बाहर से स्टार्ट, बाहर से ही गाड़ी स्टार्ट होगी। वाह क्या बात है, चलो भाई पीछे हो जाओ, गड्डी पीछे करो यार, जाने दे बाहर पे ठोक दे। तो गाइस हम चल पड़े हैं कहाँ, लदेदार जंगल घाटी, इको खाने परांठे, गाड़ी लगा दी, बोलते हैं परांठे खाएंगे यहाँ पे ढाबे में, जबरदस्त परांठे बनाते हैं ना इमरान भाई, जबरदस्त परांठे हैं। एक परांठा आ गया हमारा, लेकिन ये मिर्ची वाला मंगाया था मैंने, भाई बिना मिर्ची के खाता है तो ये खा लेगा, मैं मिर्ची वाला खाऊंगा नहीं, मैंने डाउन रखा हुआ। अभी मेरा दूसरा परांठा आएगा, मजा आएगा खाने में। आह आह मेरा मिर्ची वाला परांठा खा के देखा मैंने, बहुत ही स्वादिष्ट। आपको कैसा लगा? मजा आया ना, बहुत ही टेस्टी था। अभी एक खाते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं घर। अभी आपका भाई निकलने वाला है सनरूफ के बाहर, अगर बारिश नहीं होगी हम पहले शीशा खोल के चेक करते हैं कि बारिश पड़। ओहो भाई क्या ही मजेदार फीलिंग है, ज्यादा जोर से हम गाना बजा नहीं सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन आह बहुत टाइम बाद निकल। क्या बात है भाई, अभी थोड़ी सी बारिश है। अभी हम मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ दिन के बाद हम ट्रिप प्लान करने वाले हैं, यहाँ तो हम लद्दाख जाएंगे सारे, यहाँ तो हम कश्मीर, यहाँ तो हम लद्दाख जाएंगे, यहाँ तो हम कश्मीर जाएंगे। तो हर बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग घूमने जाते हैं हमारी फैमिली साथ में जाती है, हमारी फैमिली और हमारे कजन्स की फैमिली, अकेले हम कभी नहीं घूमने जाते, मज़ा नहीं आता अकेले। तो इस बार ये नई गाड़ी ऐड होगी, इसको दबा के पेलेंगे, मज़ा देगा, ट्रैक करवाएंगे फॉर्चुनर और इस गाड़ी की। पहले आप लोग मेरे को नाम बताओगे, फिर अगले ब्लॉग में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये गाड़ी कौन सी है, क्या नाम है इस गाड़ी का। जितनी मैंने स्पेसिफिकेशंस दिखा दी हैं आपको, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता चल जाएगा, देखता हूँ। ये ऐसी गाड़ी है कि ये यहाँ से भी नीचे जाएगी, जाएगी यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे कहाँ, ओ भाई साहब, ओहो इधर से कहाँ का है रास्ता भाई, ये कौन सा रोड है, इधर तो रास्ता ही नहीं है नीचे,
ये देखो भाई कैसे 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 रोड पे चलती हैं ये गाड़ियाँ भाई, ये बहुत पावरफुल गाड़ियाँ होती हैं। सिर्फ बाहर से ऐसे डब्बा दिखती हैं लेकिन अंदर से बहुत पावर होती है। ठीक है, इस भाई ने छोड़ दिया मुझे, अभी वापस जा रहा है, तो मैं यहाँ से मस्जिद जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। यहाँ से घर जा रहा है, अब हम भी नमाज़ पढ़ के घर ही निकलेंगे। घर पहुँचा हूँ मैं और यहाँ लगा हुआ है अब अकेले बेचारा। आज इसके सारे पार्टनर मुजम्मिल, अकरम भी इधर ही है, बाकी सारे इसके पार्टनर घर चले गए हैं। अकरम भैया भी शायद अभी घर चला जाएगा आज, फिर ये अबे रह जाएगा अकेला। अबे तेरी फ्लाइट कब है? 5 को? अबे चला 5 को घर। हेलो, कौन सा टेम्पर भाई? ये बोल रहा है, ये छोटा सा पिद्दू बोल रहा है मैं ये बड़ा टेम्पर लेके जाऊंगा, जरा जरा क्या करेगा ये। ओ यार मैं इसमें बैठने वाला हूँ भाई। मैं आज से पहले कभी नहीं बैठा हूँ इस गाड़ी में, जरा क्या सीन रहता है। खोलो इसको भाई साहब, कितना ऊंचा है ये। उफ 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 उफ। बैठ गया ये अंदर। खोलो ओ बा, ये कितना बड़ा है, अंदर तो कोहरा ही कोहरा होगा। ओह ओह कितनी जगह है इसमें भाई। ये होगी अपनी सुपर कार की गाड़ी बन, डिलीवरी होगी यार सुपर कार की। आप इतने से लग रहे हो इसमें, अल्लाह की कसम भाई। भाई जगह देखो कितनी है, बंदा आराम से, ये देखो मस्त लेट गया मैं। थोड़ा सा ये सिस्टम है अंदर से, ये ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये क्या कर रहे हो, इसको प्रेशर बराबर कर रहे हो? मैं चलाऊं? रोड पे चलो, ऊपर हाईवे पे जाएंगे। अच्छा आगे से तो चलो, मोड़ के आएंगे, थोड़ा तो आगे चलो। हॉर्न बजाओ इसकी। वो बाप रे, ओ भाई, भाई मैं पहली बार बैठा हूँ आज इसमें, पता है। देख के चलना यार इसका, आपको अंदाजा है भी कि नहीं, पता नहीं क्या है चला रहे हो आप भी। यार ये कितना ऊंचा है ताज भैया। टेढ़े टेढ़े भाई आपका, बैठ गया आराम से चौपड़ी मार के मस्त भाई साहब। सुपर कार की राइड होगी आज, है ना? ये देखो ना, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है इतना छोटा सा। आराम से आराम से आराम से, मतलब पूरा जानता है पापा को। आगे रोड देखो आप भाई, इतना ऊंचा रोड ऊपर से लग रहा है, मतलब इतनी ऊंची गाड़ी में मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। इतना नीचे है रोड, मतलब कसम से यार भाई, वाह। आपको अगर दिख रहा होगा, आराम से यार कैसे चल रहे हो, डर गया यार मैं भाई साहब। हम गाड़ी मोड़ने आए थे और इतना आगे तक आ गए। आज होगी हमारी सुपर कार, 2 सुपर कारों की राइड होगी आज। इससे पहले एक और गाड़ी में बैठा था मैं, नई वाली, अभी हम दूसरी गाड़ी में बैठे हैं। ये भी हमारी अपनी है, क्या नाम है इस गाड़ी का? कैसा है चलाने में, मजा कैसा आता है, सच बोलना? फटेगी, अंदाजा बहुत बड़ा है हा? और कुछ नहीं होगा, चक्कर पता क्या है? हाँ तो इधर से काटेगा ना, वो ये जो पिछवाड़ा है ना, उधर से तोड़ना, जर मर कहाँ है वो। वो अपनी साइड मुड़ जाता है, अपनी साइड नहीं, मतलब पिछवाड़ा बहुत पीछे रहता है, इसका अंदाजा देखना पड़ता है मुझे, पीछे वाला टायर कहाँ है। अच्छा मैं नहीं चला पाऊंगा इसको, चला लूंगा, आप एक बार दो तो सही मेरे को, जान दो थोड़ा और, रुक जाओ इसको निकलने दो गाड़ी को। ओह ओह ओह, पावर स्टीयरिंग है ना इसका, फिर तो नहीं आती होगी दिक्कत। जान दो जान दो जान दो जान दो, बस कट जाएगी। गाड़ी मोड़ने आए थे हम। ओए बाबा झटके क्या देते हो आप मुझे। आया मैं, तो ब्रेक मारने से आवाज शोर क्यों करते हैं? प्रेशर कम हो जाता है गाइस। आप इसके गियर देख सकते हो, इसमें भी 6 गियर हैं, और अपना 6 गियर के साथ इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है क्या?
ठीक है। मेटाडोर देखो कितनी छोटी लग रही है, स्कॉर्पियो देखो क्या लग रही है। मजा आ गया भाई राइड लेके, चलते हैं। ऐसा लगता है नीचे किसी बड़े पहाड़ से उतरना है। कल जो मशीन आपको मैंने दिखाई थी ना, जो चल नहीं रही थी, अभी अकरम भैया ने ठीक कर दी है। ये इसी की हिम्मत है इसको ठीक करने की। कॉइल वगैरह जो भी था इसने चेंज किया है इसका। अब ये दवा दब चल रही है। अकरम भैया स्टार्ट करके दिखाओ, देखना देखो अब कैसे स्टार्ट होती है। इसको ये बटन दबाया और उसके बाद ये दबाया और ये स्टार्ट हो गई। अब चलेगी ये ज़बरदस्त तरीके से। सही घास काटती है ना, एकदम कुड़ैक ग्रास काटती है। देखो ये क्या सिस्टम किया आपने। गाइस अभी आपका भाई चाबी लेके आया था थोड़ा बाहर तक जाने, घर पे बैठे बैठे बोर हो गया, मैं सोचा कुछ बाहर चलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ अगर यहाँ मिला। वैसे ऐसा सच कुछ मिलता तो है नहीं यहाँ खाने के लिए, बट स्टिल हम बाहर जाके देखते हैं कुछ मिला। सुबह पराठा खाया था, अभी तो टाइम हो गया दिन के 3:30 जैसे लग रहे हैं। गेट खोल दिया मैंने खुद ही, अबे बंद कर देगा गेट, अभी हम गाड़ी निकालते हैं बाहर। अपनी तीसरी सुपर कार आज दिन की, हमारी तीसरी सुपर कार। पहली सुपर कार आपने गेस्ट कमेंट में बतानी है कौन सी थी, दूसरी में तो अब मैंने आपको दिखाई दी, और ये रही अपनी तीसरी सुपर कार। भाई दिस इज़ क्रेजी, जो मर्जी हो इस गाड़ी का कोई मैच नहीं। जहाँ मैं प्लान कर रहा था जाने का यार, वहाँ पे रास्ता बंद है अभी, किस्मत अच्छी नहीं है यार। ट्रैफिक भी वहाँ बहुत ज़्यादा था, पिछली साइड था वो, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता नीचे वाली साइड का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ ही, वहाँ पीछे तो रास्ता बंद था, वहाँ शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रही, कोई काम चल रहा है, तो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया, यहाँ से अलाउड नहीं है अभी जाना, तो भी आप यहीं से वापस निकल जाओ। दूसरी साइड से भी रास्ता था लेकिन वहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने वहाँ से गाड़ी वापस ही टर्न कर ली। अभी हम ऊपर वाले रोड पे थे, अभी हम नीचे वाले रोड पे आ गए हैं वापस, जो हमारे घर की तरफ रोड जाता है। तो गाइस दोबारा हम अपनी सुपर कार में आ गए हैं, अपने भाई की गाड़ी में। आप देख सकते हो अभी सनरूफ खोल दिया हमने, बाहर के नज़ारे देखो, एक भाई हमारे साथ शर्मा रहा है मसकली, और यहाँ पे भैया हमारे आगे। और अपने गाना लगा के मैं वीडियो बंद कर दूंगा ना, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस फाइनली हम उधर ही पहुँचे हैं जहाँ पे हम कल आए थे, देख सकते हो दिस इज़ द सेम प्लेस बट विद अ न्यू कार। वही जगह, वही मिलिट्री कैंप, वही ब्रिज देख सकते हो। वहाँ का ज़्यादा मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि कल वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको यही सब चीज़ें दिखाई थी। अब रोज़ सेम शूट करूँगा तो थोड़ा अजीब। डकी भाई को दिखाया था कल के ब्लॉग में। डकी भाई, डकी ये दिखा, ये देखो ये है हमारे डकी भाई। तो अभी चलते हैं अंदर, चाय पीते हैं यहाँ पे इस पहाड़ों में, और चलते हैं फिर घर को। अगर तुझे पता है तो गाइस यहाँ पे अभी बहस चल रही है फॉर्च्यूनर वर्सेस नो, गाड़ी का नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं जरूर आपको बताऊंगा। फीचर्स वाइज थोड़ा सा मैं आपको फीचर वाइज बता देता हूँ इस गाड़ी का। अभी भाई ने हमें इस गाड़ी के फीचर्स बताए। अब ये देखो, ये है मुकाबला है सैमसंग, क्या है इसका फोन बताओ कौन सा, चाहे S23 अल्ट्रा या आईफोन, आप कमेंट करके बताओ। 14 प्रो या S23 अल्ट्रा, जिसके ज्यादा वोट्स है वो जीता। चलो ठीक है, तेरी ऑडियंस बताएगी जो अच्छा फोन होगा, तेरी ऑडियंस बताएगी कि कौन सा फोन बेटर है, S23 अल्ट्रा या आईफोन 13 प्रो में। अच्छा अगर आप इसको, आपको 5 सेकंड के अंदर ये फोन डिफाइन करना होगा, आप क्या बोलोगे इसको? अल्टीमेट बोलूंगा। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा इसको छोड़ो फोन की बात, गई आपको मैं इस गाड़ी के फीचर दिखाना था और चीज बताता, वन ऑफ द बेस्टेस्ट फोन फॉर वर्क। बताओ गाइस ये आप तीन चीज देख सकते हो, एक है इसकी SOS इमरजेंसी सिग्नल या गया गाड़ी जब वीडियो, आप देखो एक है इसका SOS वाला, दूसरा है हुक वाला, और तीसरा कौन सा है, ब्लू लिंक। पहला वाला इमरजेंसी के लिए यूज होता है, दूसरा वाला हुक निकलती है वो भी इमरजेंसी है, और तीसरा वाला जो है ब्लू लिंक डायरेक्टली फोन से कनेक्ट होता है। फोन ये वाला जो है फोन से गाड़ी कनेक्ट करके इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, और इसमें मैंने आपको पहले भी एक फीचर दिखाया था कि गाड़ी बैठे बैठे स्टार्ट हो जाती है, इसको चाबी वगैरह की जरूरत नहीं है, बाहर खड़े होकर भी गाड़ी। फीचर्स खतरनाक एकदम, लेकिन फिर भी हम फॉर्च्यूनर को सपोर्ट करते हैं। नहीं फीचर्स वाइज दिस इज द सपोर्ट करते हैं तेरी, फीचर्स वाइज दिस इज बेस्ट। इसमें एयर प्यूरीफायर भी अपना दे रही है कंपनी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये इसके यहाँ पे बम्प वेंटिलेटेड सीट्स, वैसे ये फॉर्च्यूनर में भी है, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं वेंटिलेटेड सीट फॉर्च्यूनर में सिर्फ ये वाली है, ये नहीं है। नहीं डाउन की है, नीचे की है, ये पीछे वाली फॉर्च्यूनर की वेंटिलेटेड नहीं है। और दूसरी लेजेंडर में आती है भाई, ये क्या चीज है, ये है एयर प्यूरीफायर हुंडई का अपना एयर। अब सब हम बाहर निकल गए हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पकौड़े वगैरह चाय वगैरह मंगाते हैं, और उसके बहुत सारे कुत्ते हैं, इनके लिए बिस्किट्स लेते हैं, उनको डालते हैं बिस्किट सबको। गाइस ये कुत्ता देखो कितना प्यारा है यार, मेरे को काटना नहीं भैया। गाइस ये बिस्किट डाले हमने इनको। हेलो डॉगी, हेलो इधर 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 ओ क्या क्या करते हो तुम यार, थोड़े ही बिस्किट थे ये लो खाओ, ये सारे इस वाइट वाले ने खा लिए।
भाई वाले शिल्लू गैंग एक और बिस्किट लाया भाई ने एक ओए तुझे पता है सामा उसने हवा में खा लिया बिस्किट भाई उसने भी इसको तो ये कैच करता है वो भी नहीं कर पाया वो देखो टाउन के बीच से निकल के खा रहा है खा गया भाई क्या ही टैलेंट ये मिस हो गया चलो गारा क्या इनको खाने में नहीं निकाल दो सर अबे गबे ये क्या कर रहा है इधर देखना जरा दिखा कैसे काटता है क्या क्या बोल रहा है काम चोर बैठा है इधर कौन तू वीडियो बना रहा है काम चोर तू है मैं नहीं तेरा नाम मैंने रखा है फाइनली गाइस देख सकते हो अभी रात का टाइम हो रहा है 9:30 अभी से पहले जो मैंने क्लिप दिखाई आपको ये अबे की जो प्याज काट रहे थे ये कल के लिए ईद की तैयारी हो रही है अभी वाजवान वगैरह बन रहा है तो आज के दिन के लिए बस इतना ही आई होप आज आपको बहुत मज़ा आएगा व्लॉग देखने में जो मैंने आपको सुपर कार्स दिखाई आज अपनी और आज मैंने फर्स्ट टाइम डैम्पर में बैठे थे हमारे भी फर्स्ट टाइम मैं अंदर बैठ के एक्सपीरियंस किया मैंने कि मतलब कैसा होता है अंदर से वो भी दिखाया आपको तो इंशाल्लाह आप और व्लॉग्स आते रहेंगे बस अपना थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ाते रहो हमारी फैमिली छोटी सी है अभी 700 समथिंग इसको बड़ा बनाते हैं नियर अबाउट 1K करते हैं जल्दी से फिर अगला टारगेट सेट करेंगे पहले 1K करा लो जल्दी से तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही आई होप आपको कोई ब्लॉग पसंद आएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं मेरे लिए तो इसलिए मेरे को पता चलता है कि मैं वीडियोज़ कैसी बना रहा हूँ तो बस आज के लिए बस इतना ही सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन